बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बहुत अरसे के बाद दोबारा से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। बस कुछ परेशानी की वजह से वीडियोस नहीं बना पाया, लेकिन आज जो है मैं एक वीडियो आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। ये आपने देख रहे हैं, आप अपनी स्क्रीन पे लिखा हो हाफ़िज़ अब्दुल मन्नान हामिद जो भी हैं, सही है। इस तरह का भी आजकल उनका इंटरफेस है, इससे पहले कुछ और था व्हाट्सअप पर, सही है। जैसे उनका नाम भी है माशाल्लाह, अल्लाह ताला उन्हें हदायत भी दे। और साथ ही साथ मैं आपको उनका नंबर भी ये दिखाना चाहूँगा कि ये उनका नंबर है, सही है। ये आपने देख लिया, फिर मैं आपको कुछ चीज़ें ऐसी बताना चाह रहा हूँ कि ये आदमी बहुत बड़ा फ्रॉड है और आप इससे बचिएगा, क्योंकि बहुत मुझे भी टीका लग चुका है। और गलती मेरी अपनी है कि मैंने जो है एक वीडियो देखने के बाद फिर मैंने इन पर एतबार किया, फिर मैंने पैसे भेजे, फिर उन्होंने जो है वो जो वादा किया था वो सामान नहीं भेजा। तो वापस चलते हैं, इसका व्हाट्सअप खोलते हैं। तो अभी आजकल तो ये जो है लास्ट में सोलर के लिए लिथियम बैटरी बनवा रहे हैं, सही है। तो मैंने इलेक्ट्रिक बाइक जो है, इलेक्ट्रिक स्कूटी जो है, इसके लिए मैंने बात की थी और इन्होंने पैसे भी ले लिए और जो है बेईमानी की। तो चलते हैं, जो बिल्कुल शुरुआत से मेरी इनसे बात हुई ना, तो मैं आपको वो बताता हूँ, सही है। तो जनाब ये बहुत ही माशाल्लाह होशियार है, ओके। यहाँ से हमने शुरू किया, ओके, सलाम किया मैंने। और ये मैंने उनका जो भी उन्होंने ऐड दिया था वो मैंने उसको स्क्रीनशॉट लेके भेजा, उन्होंने वालेकुम सलाम किया। फिर यहाँ से मेरी इनकी बात चलती है, सही है, अभी सुनिएगा। अस्सलाम वालेकुम, इलेक्ट्रिक बाइक के लिए या इलेक्ट्रिक साइकिल के लिए? जी अस्सलाम वालेकुम, हाँ जी, ये 40,000 रुपये की किट है मुकम्मल, तो वो किसी भी साइकिल वाले से जो है ना ईजी इंस्टॉल करवा सकते हैं। अभी हम लगे हुए हैं, हमारे लड़के काम कर रहे हैं, अगर आप कहते तो मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी ये देखिए, इसके ऊपर जो ये जो वॉइस नोट मैंने आपको सुनाया, इसके ऊपर एक वीडियो है, इसमें बहुत ही मुअज्ज़ज़ आदमी बैठे हुए हैं, बुज़ुर्ग आदमी। तो ये शायद वीडियो इन्होंने चोरी की है या फिर क्या किया है। तो वीडियो चोरी करने के बाद इन्होंने जो है उस पर अपने नंबर वगैरह लगा के ना, तो ये मतलब ग्रुप्स में शेयर किए हैं, तो वहाँ से मेरे बेटे ने मुझे ये वीडियो भेजी है। तो फिर मैंने इनसे रब्ता किया, फिर रब्ता करने के बाद मैं सिर्फ उनके वॉइस नोट आपको सुना रहा हूँ, जो जो आप समझ जाएंगे कि क्या क्या बातें हम में हुई हैं। फिर उसके बाद ये जो नीचे जो है ना 12 MB डाउनलोड लिखा हुआ आ रहा है ना, ये मैं चीज़ें सारी डिलीट कर चुका था, क्योंकि मैं नहीं चाह रहा था ये वीडियो बनाऊँ। लेकिन आज फिर मेरी नज़र से ये गुजरे हैं भाई साहब, तो मैंने कहा चलो आज बना ही देते हैं, क्योंकि गुस्सा तो बहुत था मुझे। नाम इन्होंने हाफिज़ अब्दुल मन्नान बताया मुझे, और काम इनके माशाल्लाह बहुत प्यारे हैं। अभी सुनते जाइए आगे। जी अस्सलाम वालेकुम, हाँ जी, डिलीवरी के साथ ही हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कैश जो है वो आपको बैंक अकाउंट में भेजना पड़ेगा, तो उसकी स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, मैं उसी वक्त लड़का हमारा जाएगा, ये जाकर डिलीवर कर देगा। मुझे एड्रेस, लोकेशन, नंबर वगैरह भेज दीजिएगा, तो यहाँ से एशिया कार्गो, डाइवो, जो भी आपके पास सर्विस अवेलेबल है उधर होटल आजाद कश्मीर में, वहाँ पर भेज दीजिएगा। अगर बना बनाया साइकिल चाहिए तो वो भी मिल जाएगा नया। ठीक है, 40,000 की इसकी ना बैटरी थोड़ी सी कास्टली होती है, ये नई बैटरी होती है, 1 साल वारंटी होती है पूरी किट की। तो जो लोग और भी कुछ शायद दे रहे होंगे, लेकिन वो ना वारंटी नहीं देते एक दिन की भी। तो इसमें हमारे पास चूँकि सारी टेस्टिंग होती है हर चीज़ की, तो किट खाली 40,000 की है मुकम्मल, वो किसी भी साइकिल वाले से फिट करवा सकते हैं। तो अगर साइकिल लेना है तो ये साइकिल 65,000 रुपये का है नया जो है, ये बना बनाया है, चार्जर साथ होगा सारा, सिर्फ चार्ज करें चलाएं बस। हाइब्रिड है, पेट्रोल के साथ भी और इलेक्ट्रिक भी, ये रेडी पड़े हुए हैं, जब मर्जी ले रहे हैं। चलिए अच्छी बात। तो मैंने उनसे आगे भी बात की, तो ये शायद वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, तो आपने ये वीडियो देखनी भी है और इसी वीडियो को आगे शेयर करना है। मैं इस पर इंशाल्लाह जो है वो क्रिएटिव कॉमेंट जो है मैं इसको लाइसेंस दूँगा, ताकि आप कोई भी इसको डाउनलोड करके कोई भी अपनी जगह इस यूज़ कर सकता है इस वीडियो को। वीडियो में इंशाल्लाह आपको कॉपीराइट का कोई मतलब टेंशन नहीं होगी, तो ये टेंशन नहीं होगी कि आपको कहीं से भी कम्युनिटी गाइडलाइन आ सकती है, सही है। तो आगे सुनिए इंशाल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम, हाँ जी, इसको लग जाएगी, पिछले व्हील में ही लगेगी। तो हारन जो है ना वो बाइक वाला नहीं लग सकता, हारन इसका अपना बहुत अच्छा होता है, बाइक से भी तेज़ होता है। उसके अंदर ना 7 किस्म के हारन होते हैं, जिस तरह का मर्जी जो है ना वो चूज़ कर लें, बल्कि वो हारन प्लस लाइट होती है। अस्सलाम वालेकुम, ये लाइट नहीं है हमारे पास, ये जो साइकिलों का स्पेयर पार्ट्स रखते हैं ना उनसे मिल जाती है, हमारे पास नहीं है। तो फिर मैंने उनको जो है बाइक का पता दिया, उनका नंबर दिया, अपना मोहल्ला, ये वो, ये मैं ब्लर करूँगा इंशाल्लाह, क्योंकि अपना मैं नहीं बताना चाह रहा था मैं कहाँ का रहने वाला हूँ। और नीचे उन्होंने जो जोल्टा पम्प का मुझे भेजा है अकाउंट नंबर और पूरी डिटेल्स, सही है, वो देख लीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं?
ना यही अकाउंट नंबर है, इसके अलावा नहीं है कोई भी। जी ओके अस्सलाम वालेकुम, ये चोरटा पंप के नाम से है और ऑनरशिप जो है वो अब्दुल मनान, मेरा नाम अब्दुल मनान है, अब्दुल मनान के नाम से है। टाइटल नेम जो है ना ये इसका आएगा जोल्टा पंप, जोल्टा साइकिल है ना हमारा, तो जोल्टा पंप के नाम से जो है ना ये अकाउंट है। जी डिलीवरी फ्री कर देंगे, डिस्काउंट वाला ये है कि आज शाम को ना, आज रात 12 बजे पाकिस्तान में, अभी पेट्रोल इन्होंने ना स्टॉप कर दिया हुआ है, तो यहाँ पे ना पेट्रोल की कीमत 16 रुपये मजीद बढ़ रही है, तो जैसे ये पेट्रोल की कीमत बढ़नी है ना तो डिलीवरी भी महंगी हो जानी है, सामान का आना जाना भी महंगा हो जाना, तो हम सोच रहे हैं कि अब हम इसका क्या रेट निकाले नया, हमें तो ये नहीं समझ आ रही यार, 15 दिन के बाद रेट बदलना पड़ता है। जी जवान को मेरा नंबर दे दें, तो मुझे या उनका नंबर दे दे बच्चे का, तो मैं उसको बता भी दूंगा, कल इंशाल्लाह भेजेंगे। आप मुझे रसीद भेज दीजिएगा अभी पेमेंट की, तो फिर मैं लड़कों को अकाउंट में डाल करके ना वो फिर इशू करवा देंगे, तो सुबह इंशाल्लाह डिलीवर करवा देंगे। फर्स्ट टाइम लाइट होगी जो बैक वाली होती है वो रिफ्लेक्टर लाइट होती है, बहुत प्यारी होती है, तो फ्रंट वाली जो होती है ना वो लाइट प्लस हारन होता है, उसमें 7 किस्म के हारन होते हैं, बहुत अच्छी चीज़ है वो, वैसे भी मोबाइल चार्जर के साथ वो चार्ज हो जाती है, वो अच्छी है। जितने भी हम साइकिल भेज रहे हैं ना जहाँ पे भी वो लगा रहे हैं, उसकी कंप्लेन नहीं है। जी मैं पहले तो मेरी फैक्ट्री थी लाहौर में, लाहौर रैवन रोड पे, तो वो चूँकि रेंट पे थी, उसका हम 8 लाख रुपया महाना रेंट दे रहे थे, तो गुजरांवाला जो कि हमारा भाई शहर भी है और फैक्ट्री भी इधर ही है गुजरांवाला के अंदर, तो वो फिर ज़ाती फैक्ट्री थी अबाऊ अजदाद की, काफ़ी देर की ना बंद पड़ी हुई थी, तो फिर वो सारा वहाँ से उठा के तो गुजरांवाला ले आए हैं। मैं आपको एड्रेस सेंड कर देता हूँ। तो ये एड्रेस उन्होंने भेजा, उसके बाद नीचे जो मैंने ये जो ब्लैक आपको नज़र आ रहा है ट्रांजैक्शन की, उन्हें सही है, उन्हें मैंने तस्वीर भेज दी। तो आप जी जी अस्सलाम वालेकुम, हाँ जी रिसीव हो गए हैं, शुक्रिया, थैंक यू। मैं इंशाल्लाह सुबह फर्स्ट टाइम ही जो ना वो जो आप, तो आपको रसीद भेज दूंगा, तो आप छोटे को दे दीजिएगा, उनसे कह दीजिएगा अगर उनको कोई ज़रूरत हो ना किसी चीज़ की, समझ ना आए या पूछना हो तो मेरा ये नंबर दे दीजिएगा, हाफिज़ अब्दुल मनान हामिद जो है ना वो मेरा नाम है, तो मैं फिर उनको बता दूंगा, कोई भी किसी किस्म की इंफॉर्मेशन की ज़रूरत हो तो बेशक जब चाहे मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। जी मोस्ट वेलकम, अगर पाकिस्तान ही आ जाए बिजनेस करते हैं बड़े लेवल पे इलेक्ट्रिक साइकिल का, मैं तो कोशिश कर रहा था कि अमेरिका इटली मुख्तलिफ कंट्रीज़ में जो है ना ये हमारे साइकिल लगे। बड़ा ख़िलाफ़ हूँ मैं, आपको तफसीलन अपना तारफ़ करूँगा, आप हैरान हो जाएंगे, अल्हम्दुलिल्लाह इतना काम किया मैंने पाकिस्तान में इसका, इलेक्ट्रिक बाइक इलेक्ट्रिक साइकिल का, तो लेकिन चूँकि पाकिस्तान के अंदर आपको पता है दिन को हालात और होते हैं रात को और होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अल्हम्दुलिल्लाह डटे हुए हैं, काम कर रहे हैं। पाकिस्तान का पहला बंदा हूँ मैं जिसने ईवी पे काम किया है, इलेक्ट्रिक व्हीकल पे, और अभी भी कर रहा हूँ मैं। जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह, हाँ जी भाई जान कैसे हैं, खैरियत है, ऐसे ठीक है जी। 3 बजे आपको ना रसीद पहुँच जाएगी, 3 बजे आते हैं डिलीवरी वाले, सामान समून तो सारा मैंने रेडी करवा दिया था, वो जैसे ही आते हैं फिर मैं आपको इंशाल्लाह रसीद भेज दूँगा बस वो। जी जी भाई जान कोई मसला नहीं है, मैं आपको रसीद भेज दूंगा उसकी, बस वो बॉक्स वगैरह कुछ चीज़ें चूज़ें थी वो मैंने सारी इकट्ठी करके दे दी थी, मोटर कंट्रोलर किट का सामान, तो डिलीवरी वाला ना खुद आता है हमारे पास, डाइवो कार्गो एशिया कार्गो जितने भी हैं वो फिर फैक्ट्री आके सामान ले जाते हैं, जैसे ही आएंगे फिर मैं आपको रसीद भेज दूंगा। थैंक यू। सही हो गया, 16 तारीख 16 सितम्बर 2023 में हमने बात की, 17 को फिर मैंने सलाम किया अभी लड़के से। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह, जी भाई जान कैसे हैं, खैरियत है, ऐसे ठीक है। सामान आपका कल जो है ना वो हमने डिलीवर कर दिया था, तो सुबह इंशाल्लाह आपको कोटली में जो है ना वो मिल जाएगा, अभी लड़के से डिलीवरी वाले से मेरा रबता होता है, वो ले गए थे कल ही, तो मैं आपको उसकी रसीद वगैरह जो है ना वो भेज देता हूँ। शुक्रिया, जजाकल्ला, अस्सलाम वालेकुम। बच्चे को भतीजे जी, मुझे पता था असल में संडे को ना जब हफ्ते वाले दिन सामान लेके जाते हैं ना तो कंफर्म मंडे को डिलीवर होता है, तो मैं बाकी जो है ना वो आपको रसीद वगैरह भेज देता हूँ, आप भाई को भेज दीजिएगा, बच्चे को भतीजे हमारे को, उसको ज़रा तसल्ली हो जाएगी। तो इन्होंने सामान डिलीवर नहीं किया, फिर करते करते 18 सितंबर को भी मैंने जो मैसेज किया सलाम किया। जी अस्सलाम वालेकुम, हाँ जी कैसे हैं भाई जान, खैरियत है, ऐसे ठीक है। जी अस्सलाम वालेकुम, किट रिसीव हो गई है तो काइंडली बता दीजिएगा, बाकी मैं लड़के से कहता हूँ मुझे ज़रा रसीद भी भेजे, क्योंकि वो तो कल की डेट में पहुँच जानी चाहिए थी, मैं ज़रा आपको ना उसकी इन्वाइस वगैरह भी भेज देता हूँ डिलीवरी।
हाँ जी हाँ जी हाँ जी, मुझे पता है, बयान है, मैं भी सऊदी से आया हूँ 2-4 कुछ दिन पहले, बिल्कुल ऐसे ही है। 18 सितंबर को हमारी बात हुई तो उन्होंने बोला सामान पहुंच जाना चाहिए और मैं अभी आपको जो है उसकी रसीद भेजता हूँ। सही, आगे सुनते जाइए। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं सिर्फ 2 मिनट में भी कॉल करके ना उधर अपनी सेल वाले लड़के से एक तो इनवाइस देता हूँ, दूसरा मैं उसको कहता हूँ ज़रा वो डिलीवरी वालों को कॉल करे, बस ये हो जाता है एक आधी आगे पीछे, बाकी उम्मीद है कि आज अभी थोड़ी देर तक पहुँच जाएगा इंशाल्लाह, बाकी मैं क्लियर करता हूँ ज़रा। खैर अल्लाह ताला आपको जय है। उसके बाद जनाब फिर मैंने सलाम किया आगे 19 तारीख को। सही है, आगे उन्होंने जो ऑटोमेटिक जो है अपना एक लगाया हुआ है जो जवाब जो है तो वो आया। ठीक है, इलेक्ट्रिक साइकिल किट जो 40,000 की है। तो फिर मैंने वालेकुम अस्सलाम बोला। उसके बाद जनाब हाफिज़ साहब को मैसेज करते रहे करते रहे। देख लीजिए, अस्सलाम वालेकुम हाफिज़ साहब, क्या हाल चाल है? सर ठीक है हाफिज़ साहब, कल आपने बोला था 2 मिनट, तो बता दीजिए अभी दो कि क्या किया, क्या कहाँ तक पहुँचा सामान? सही है। फिर उसके बाद 20 तारीख को हमने दोबारा मैसेज किया, वो भी सुन लीजिए। अस्सलाम वालेकुम हाफिज़ साहब, आपने तो उस दिन बोला था 2 मिनट, तो उसके बाद 2 मिनट अभी तक नहीं हुए, जवान बार बार मुझसे पूछ रहे हैं, आपने भेजना है तो वो तब भी बता दें, नहीं भेजना है तब भी बता दें बस, ताकि मेरे सर से तो परेशानी ख़त्म हो जाए ना, आई बात समझ में? सही है, तो ये मेरी गलती है जो मैंने इस आदमी पे एतबार किया, मतलब वीडियो देख के सिर्फ। पाकिस्तान में जब तक कोई ऑथेंटिक जो है वेबसाइट नहीं है ना, या कोई ऐसी कोई एप्लीकेशन नहीं है जो ऑथेंटिक हो, जैसे मसन दराज हो गया, मसन बाकी अली बाबा वगैरह हो गए, तो मेरे हिसाब से इस तरह से लोगों के साथ डीलिंग नहीं करनी चाहिए, चाहे उनका जितना मर्ज़ी अच्छा नाम हो चाहे जो भी हो। तो फिर मैंने 23 तारीख को भी मैसेज किया, मैसेज पहुँच रहे हैं। सही है, अभी जो है मैंने बैठे बैठे मैं वैसे ही देख रहा था तो ये नाम आया, तो मैंने कहा चलो फिर देख लेते हैं आदमी है या नहीं। तो फिर मैंने आगे जो 30 सितंबर 23 के बाद 30 को भी मैंने मैसेज किया कि पाकिस्तानियों को हराम खाने की आदत पड़ चुकी है लेकिन हराम हजम नहीं होता, हाफिज़ अब्दुल मन्नान नाम रख कर लोगों को लूट रहे हो, इसका हिसाब अल्लाह ही करेगा इंशाल्लाह। फिर आगे मैंने लिखा आपसे तो काफिर अच्छे हैं, कम अज़ कम धोखा तो नहीं देते, और ये बात सच है। मैंने कितने काफिरों से, हिंदुओं से, या फिर ऐसे नॉन मुस्लिमों के साथ भी मैंने मेरे कॉन्टेक्ट रहे हैं और कभी भी हमने सामान ख़रीदा है, तो उसी हवाले से मैं वही चीज़ मेरे दिमाग में थी, तो वो जो चीज़ दिखाते हैं वही चीज़ आपको मिलती है। सही है, और ये हाफिज़ अब्दुल मन्नान नाम शायद इनका है नहीं है, लोगों को बस जो है गलतफहमी में डालने के लिए रखा हुआ। तो आज फिर से ये मेरे सामने आए, काफ़ी अर्सा हो चुका है, सितंबर जो है 2023 के बाद मैं नहीं बनाना चाह रहा था वीडियो, लेकिन आज ये आदमी मेरे सामने आया तो इसका जो है वो तस्वीर बदली हुई थी व्हाट्सएप पे। सही है, तो फिर मैंने लिखा हराम हौर। सही है, हराम हौर जो ही लिखा तो जैसे वो ऑटोमेटिक जो उसका जो आता है ना जवाब, तो वो आया, उसमें अभी जो है सोलर सिस्टम के लिए लिथियम बैटरी बेच रहा है माशाल्लाह। और आगे मैंने देख लीजिए लिखा है टोटल झूठ है, ये आदमी बहुत बड़ा फ्राडिया है। सही है, अभी ये सारी चीज़ें मेरा आपको दिखाने का मकसद ये था कि इस आदमी से जो है आपने बच के रहना है। सही है, ये देखिए अभी इस तरह से इसकी जो है आजकल जो काम कर रहे हैं, पहले यहाँ पे साइकिलें वगैरह होती थी। सही है, और उसके बाद जो इसका नंबर भी देख लीजिए, लास्ट में आपको ये हर चीज़ इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि कल को जो है आप को परेशानी ना हो, ये नंबर भी देख लीजिए। तो इस आदमी से हो सके तो बचिएगा, मैं साथ ही साथ जो है अपनी ट्रांजैक्शन की जो स्लिप है ना, मैं क्या नाम है उसकी स्टेटमेंट, वो भी लगा दूंगा इंशाल्लाह। तो अल्लाह माफ़ करें इन लोगों के से यार, और हो सके तो इस वीडियो को जितना हो सके शेयर भी कीजिए, और कहीं भी जहां मर्ज़ी शेयर कीजिए, इससे आप कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से आप परेशान मत होइएगा, मैं इसको फ्री जो है वो दूंगा लाइसेंस, कोई भी इसको डाउनलोड करके कहीं भी इसको यूज़ कर सकता है। तो दुआ में याद रखिएगा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।